मैं जा रहा हूँ अंदरून लाहौर, तक कोई भी नहीं उठा हुआ सिवाय मेरे, पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ। सामने जो है मेरे दिल्ली गेट है, इस टाइम अकबर बादशाह ने फ्रेंड्स बनाया था। भाई मुगलों वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मीठी लस्सी पैक करवा रहे हैं, बड़ी फेमस इनकी लस्सी। आ गई सबीर वाली गली, अब चलते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स वजीर खान मॉस्क, ने सुना है कि ये वाली जो मस्जिद है अपने पिलर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज रिज़वान इशरत हियर एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और यकीनन अपने व्लॉगर का ये व्लॉग्स का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं सो अगर अभी तक आप सबने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी को दबाना मत भूलना। अच्छा सो सीन ऐसा है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं रेडी हो चुका हूँ। आप लोग सोचे होंगे इतनी सुबह सुबह क्यों रेडी हो गया। थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो ही गया, हम लोग जा रहे हैं, बल्कि हम लोग नहीं बल्कि मैं जा रहा हूँ अंदरून लाहौर। वहाँ पर नाश्ता करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। सो चलते हैं, बस रेडी हो चुका हूँ, राइड करवाते हैं और निकलते हैं अंदरून लाहौर, लेट्स गो। फ्रेंड्स कुछ ज़रूरी की बस चीज़ें वगैरह पैक कर रहा हूँ, तो जब वो पैक हो जाती हैं साथ ही निकलते हैं। और ये तोते बहुत बोलते हैं सुबह सुबह। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओके फ्रेंड्स रेडी वगैरह हो चुका हूँ, राइड का वेट कर रहा हूँ, फिर हम निकलते हैं डायरेक्ट दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करना है, ठीक है, और बस निकलते हैं सुबह सुबह। यार इग्नोर करना, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इतने में पहुँचता हूँ वहाँ पर। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इस टाइम गली में सिवाय मेरे और कोई नहीं उठा हुआ होगा, क्योंकि इस टाइम आजकल आवाम में से कोई भी नहीं उठता। लोगों के उठने का टाइम ही 10 बजे से शुरू होता है, सो अभी तक कोई भी नहीं उठा हुआ सिवाय मेरे। पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ है और आपका भाई नाश्ता करने निकल रहा है अंदरून लाहौर। फाइनली फ्रेंड्स अंदरून लाहौर जो है वो पहुंच चुके हैं और पीछे रोड वगैरह दुकानें वगैरह सारी बंद है। सामने जो है मेरे दिल्ली गेट है। इस टाइम के मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार दिल्ली गेट जाना है, अंदरून लाहौर जाना है, सारे गेट जितने भी लाहौर के दरवाजे हैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। सो इस व्लॉग में आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, शायद नेक्स्ट व्लॉग भी बनाना पड़ जाए वो तो साथ साथ ही बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल सामने दिल्ली गेट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है फ्रेंड्स सामने दिल्ली गेट और मुग़ल दौर में ये मेरे ख्याल से ये अकबर बादशाह ने फ्रेंड्स बनाया था दरवाज़ा, और अब करीब जा के आपको दिखाता हूँ। गेट को फ्रेंड्स आप करीब से देख रहे हैं, ये सारा सीन है सामने, देखो बंदे देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या आगे का सीन है। सारे लोग सामने आए हुए, हम लोगों ने जाना है सबसे पहले नाश्ता करने। और चेक करो यार क्या बिल्कुल पुराने दौरों मुग़लों के दौर की फीलिंग आ रही है कि मैं पुराने ज़माने में आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने जाना है सामने, वहाँ पर जाके मैंने नाश्ता करना है। सामने फ्रेंड्स दिल्ली गेट है, वहाँ से मैं सीधा आया हूँ और यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पर नान चने ऑर्डर किए, ठीक है। ये आगे नान चने, यहाँ से करते हैं नाश्ता और फिर आगे जाके लस्सी पियेंगे जी। भाई मुग़लों वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मुग़ल के ज़माने में इस टाइम मैं रह रहा हूँ और नाश्ता करने के लिए आया हूँ स्पेशल। ये आ चुका है मेरा नाश्ता, कोई दोस्त वगैरह साथ नहीं है इसलिए पाए वगैरह नहीं लिए, इसलिए मैंने सादा सा सिंपल सा नाश्ता ले लिया। अभी इंजॉय करते हैं, नान चने से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बाइट लेने लगा हूँ और लेट्स सी कैसे चने यहाँ के, ट्राई करते हैं आपको बताते हैं। मजेदार, बता नहीं सकता कैसा यम्मी टेस्ट है। फाइनली फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह कर लिया और इतना मज़े का नाश्ता था ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मज़ा आ गया यार। दिल नहीं कर रहा और खाने का, वरना मैं और खाता। नाश्ता हो गया, अब मीठी लस्सी पैक करवा रहे हैं, बड़ी फेमस इनकी लस्सी होती है, तो ये ट्राई करते हैं। यू नो कि सुबह का वक्त है और फिर लस्सी भी आपको पता है फिर मैंने पीनी है, तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किया, बाद में दोबारा खा लेंगे, अभी तो एक्सप्लोर करना है पीने के बाद।
फ्रेंड्स टांगा गुजर रहा है, मैं सोच रहा हूँ टांगे में सैर की जाए। मैं भी बैठता हूँ, जब ये फिनिश होती है ना मैं साथ ही टांगे में बैठता हूँ। फिर जी नाश्ते से फारिग हो चुके हैं, अब जैसे ही ये दिल्ली गेट आता है आप ही देख सकते हैं, ये है दिल्ली गेट। इधर से जैसे ही अंदर आते हैं पीछे है सबीर वाली गली, अब इसके अंदर चलते हैं। ये आ गई सबीर वाली गली, अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या नज़ारा है। और ये मैंने सुना है कि काफ़ी खूबसूरत गली है अब, और यहाँ पर ये किसी की कब्र भी है। और इसके अलावा आप अंदर चलते हैं देखते हैं क्या आगे का सीन है। यार इस गली की खूबसूरती चेक करो, कमाल कमाल के फोटोग्राफर्स भी यहाँ। सबीर वाली गली भी घूम ली है, काफ़ी खूबसूरत गली थी। अब हम लोग जा रहे हैं, बल्कि हम लोग नहीं बल्कि मैं जा रहा हूँ। यार दिमाग ख़राब हुआ है क्योंकि ज़्यादातर दोस्त साथ होते हैं, उनके साथ व्लॉग वगैरह बना रहा होता हूँ और फिर कहता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं साथ, तो वही मुँह पर चढ़ा हुआ है। आज अकेला हूँ इसलिए लग अजीब सा रहा है। तो बस अभी ना एक टांगा वाला मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से गुजर रहा है, उधर उसमें बैठते हैं और उसकी सैर करते हैं। बड़ा मज़ा आएगा, कुछ ओल्ड ट्रेडिशन टाइप का ना मज़े लेते हैं, और ऐसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं बंदा अपनी फैशन में लगा रहे और इन्जॉयमेंट कोई भी ना करे लाइफ की। ज़िंदगी है यार, जैसे मर्जी जीना है जियो, खुश के जियो, हंस के जियो, बस किसी हसद नहीं करनी क्योंकि हसद जो इंसान को मार देती है। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो बस टांगे का इंतज़ार करते हैं, फिर टांगे में बैठते हैं। अब फ्रेंड्स मैं दिल्ली गेट से अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल सीधे लाइन के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो है अब एक दीनानाथ का कुआ है, वो नाम है दीनानाथ का कुआ, वो कोई पुराने वक्तों का दौर का वो है, एक पानी का कुआ है। वहाँ पर वज़ीर ख़ान मॉस्क भी है, वज़ीर ख़ान चौक पर वो मौजूद है। अब मैं आपको वो जाके दिखाता हूँ। ये है फ्रेंड्स वज़ीर ख़ान मॉस्क, ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने सारी मॉस्क है, ठीक है। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स मैं वज़ीर ख़ान मॉस्क इधर मौजूद हूँ, ठीक है, और मैंने सुना है कि ये वाली जो मस्जिद है अपने पिलर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इसके पिलर्स जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं और शहनशाही टाइप कुछ लगता है ये सीन। और काफ़ी पुरानी मस्जिद है, अंदर आप जा नहीं सकते, बाहर से ही वीडियोज़ और पिक्स वगैरह बना सकते हैं आप। और ये है फ्रेंड्स दीनानाथ का कुआ, जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये है। ये भी पुराने वक्तों का है, अब इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मुग़लों के दौर का है ये सारा, क्योंकि दिल्ली गेट से अंदर आ रहे हैं तो ये सारा सीन है। ये सामने जो है वो अल्लाह भला करे कौन सी मॉस्क थी, वज़ीर ख़ान मॉस्क थी। और ये सारा सेक्शन है यहाँ का। फ्रेंड्स अभी जो है दिल्ली गेट का नाश्ता भी हो गया है, इसके अलावा एक्सप्लोर भी कर लिया है, आपको सबीर वाली गली भी दिखा दी है, इसके अलावा दीनानाथ का कुआं भी दिखा दिया है, इसके अलावा आपको इसी ब्लॉग में नाश्ता भी करने का दिखा दिया है। फेमस नाश्ता किधर है दिल्ली गेट के अंदर एंटर होते के साथ ही है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ग़ुलाम इसहाक खान की, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, तो उनकी मॉस्क भी आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इंशाल्लाह ज़रूर संडे वाले दिन फैमिलीज़ के साथ आएंगे, दोस्तों के साथ आएंगे, और मैं तो इस व्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ की जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम लोग जाएँगे शाही किला और बादशाही मॉस्क, वो हम जाएँगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए इस व्लॉग में एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।